साथियों, क्यूक आईक्यू स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पूछा गया क्वेश्चन था आपका 22/10/2017 का, तो आपका 50 क्वेश्चन आपका करा दिया गया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपका देखिए आज 51 क्वेश्चन से कराया जाएगा। देखिए इसमें है जो 100 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट हम रेगुलर करवाते हैं। तो अगर आप अभी तक चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता दीजिए दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस कांस्टेबल का और दिल्ली पुलिस सेट कांस्टेबल का चालू हो गया है। और अगर जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप और भी लोगों को बताएँ और शेयर करें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें दोस्तों कि जो विद्यार्थी एयरफोर्स और नेवी का प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, तो अब हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपका वीडियो मिल जाएगा। वहाँ भी आपका बहुत सारा वीडियो कराया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेवी में जैसे कि आपका SSR के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एयरफोर्स का XY दोनों ग्रुप के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, तो आपका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ 51वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है दोस्तों? रोडवेज। कहाँ है दोस्तों? रोडवेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? कब बनाया गया था दोस्तों? जनवरी 2004 में, ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 2004 में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो केरल है, ऑप्शन नंबर ए, केरल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा इस तुलना की गई थी? किसका है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू के लिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है? क्या है दोस्तों डंपिंग का? देखिए इसमें आपका दिया गया है एक, पहला देखिए गया है ए और तीन आपका यहाँ दिया गया है, तो बताइएगा दोस्तों। देखिए आपको इसमें छोटा कर देते हैं, इसमें आप बताइए सही आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पाद के वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल है किसका उदाहरण है दोस्तों? परजीवी का, ऑप्शन नंबर बी, परजीवी। नेक्स्ट है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बताइएगा इसमें, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ग्राहक की शिकायतों को सरल तिब्ब और कम खर्चे में दूर किया जाए, ऑप्शन नंबर डी सी उसका हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है? देखिए आपका इसमें चार ऑप्शन दिया गया, बताइएगा इसमें कौन सा होता है? पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट एक महान क्या थे दोस्तों? राजनीतिज्ञ थे, प्रशासक थे, खगोलशास्त्री थे, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, खगोलशास्त्री थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेशन में देखिए आपका आ गया सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट होता है, तो बताइएगा पहला जो है इसमें यानी 61 का क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? ओम, ऑप्शन नंबर बी ओम। नेक्स्ट है, सतत पोषणीय विकास में क्या अभिप्राय है इसका बताइएगा? देखिए इसका चार ऑप्शन आपका दिया गया है, एक दो इधर है और दो इधर है दोस्तों, इसमें ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, विकास जिससे पर्यावरण की कोई हानि न पहुंचे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए आपका दोस्तों कि पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? क्या है दोस्तों? विषाणु,
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मछली नहीं है? शार्क, व्हेल, रोहू, इलेक्ट्रिक रे। बताएगा दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक रे। नेक्स्ट है, पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जाइलम बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ए 29। 29 जो है सो मनुष्य के खोपड़ी में कुल हड्डी होती है। नेक्स्ट है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? ऑप्शन नंबर बताइएगा, बोहर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट है, सिरके नींबू व दही में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बताइएगा अम्ल बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या कहा जाता है? जो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, जो सस्ता है, जो कम प्रदूषण फैलाने वाला हो या उच्च उसमें माना जाने वाला, तो इसमें सभी हो जाएगा, इसमें आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 72। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री को पीछे की तरफ धक्का लगता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो बताइएगा दोस्तों, यहाँ देखिए चार ऑप्शन दिया गया है आपका, न्यूटन के गति का पहला नियम, ऑप्शन ए न्यूटन की गति का पहला नियम। नेक्स्ट है, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी हमेशा आकर्षक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है, क्या होता है दोस्तों? मोटापा बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? गीली त्वचा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी प्रसवेदन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अधातु बताइए, इसमें अधातु यानी कि मेटल धातु होता है और अनमेटल जो है अधातु होता है, तो इसमें बताइएगा आपका एफ जो है सो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, अधातु है। तो दोस्तों, क्यूक IQ स्टडी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए आते रहे। जय हिंद, जय भारत।